नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2024 में होने वाले आम चुनाव में अभी काफी समय बचा है, लेकिन भाजपा अभी से 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते आज से दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक शाम 4 बजे दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी और इस बैठक के दौरान इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2024 में होने वाले आम चुनाव के अलावा कई अहम मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, बैठक की शुरुआत से पहले गुजरात में बहुमत से मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा और PM मोदी दिल्ली में रोड शो करेंगे। PM मोदी के रोड शो को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है और चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस तैनात है। पूरे रास्ते को सैनिटाइज्ड किया जा रहा है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि BJP की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में PM मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और 35 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेश के अध्यक्ष, 27 संगठन महामंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत लगभग 350 नेता शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार 16 जनवरी से शुरू होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बता दें, सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे की जाएगी। वहीं LG विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए ऐसे में सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सत्र के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में आई बड़ी दरारें और जमीन धंसने की वजह से इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है और इस बीच खबर है कि जोशीमठ के वो इलाके जहां अभी तक दरारें नहीं थी, वहां भी रविवार शाम को नई दरारें देखी गई हैं। वहीं आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ में भूदशाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई की जाएगी और CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में CBI ने शनिवार को मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय वाले दफ्तर से कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। इसे लेकर एक दिन बाद रविवार को जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया ने बयान जारी कर कहा कि जबरदस्ती गलत तरीके से चार्जशीट में नाम जोड़ने के लिए कंप्यूटर ले जाया गया है ताकि CPU में खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सके। उन्होंने कहा कि सेकेंड सैटरडे यानी छुट्टी के दिन CBI जानबूझकर दफ्तर पहुंची थी। CBI दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हैश वैल्यू प्रदान किए बिना कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त महीने में CBI की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी और उस रेट की जानकारी खुद उन्होंने ही ट्वीट कर दी थी। एक के बाद एक किए गए 3 ट्वीट में उन्होंने इस बात की जानकारी देने के साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था। सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे काम करने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार भी बुलडोजर चलाने के मूड में आ गई है। कल रविवार को कच्छ में गुजरात सरकार ने जमकर बुलडोजर चलाया। सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही के दौरान 36 कमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। बता दें, ये कार्यवाही कच्छ के खावड़ा में बॉर्डर कोस्टल एरिया एक्शन प्लान के तहत की गई है। साथ ही बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले साल नवंबर महीने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रचार किया था और ठीक इसी समय UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने वाले थे। गौरतलब है कि UP CM योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने UP में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाने जैसी कई कार्यवाही को अंजाम दिया है और यही वजह है कि गुजरात चुनाव के दौरान भी बुलडोजर काफी चर्चा में आया था और तभी से ये बात होने लगी थी कि गुजरात में भी अपराधियों और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश आगे आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके लिए अब और कर्ज मांगना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कर्ज देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं है, क्योंकि जिससे लेना है उसे लौटाना भी तो होगा। इस बीच पाकिस्तान के PM ने आर्थिक सहायता के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारें, चाहे राजनीतिक के नेतृत्व में हो या सैन्य तानाशाहों की
आर्थिक मुद्दों का समाधान नहीं कर सकी है। उन्होंने मित्र देशों को फंड देने की अपनी मांग पर खेद प्रकट करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें और कर्ज मांगने में सच में शर्मिंदगी महसूस हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, अतीत में अराजकता और विरोध प्रदर्शनों पर समय बर्बाद किया गया था, वहीं अगर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता तो विदेशों से कर्ज लेने से बचा जा सकता था और अर्थव्यवस्था की बस सही रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ सकती थी। हॉकी वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है। रविवार को वर्ल्ड कप में दो मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहला मैच स्पेन और वेल्स के बीच बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 की टीम स्पेन ने वेल्स को 5-1 के अंतर से हरा दिया। अपने पहले मुकाबले में भारत से मिली हार के बाद स्पेन की टीम ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत लिया है। वहीं वेल्स की उम्मीदों पर लगभग पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बता दें, टूर्नामेंट में वेल्स की है लगातार दूसरी हार है और अगले राउंड यानी क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए पूल डी से भारत, इंग्लैंड और स्पेन की टीम रेस में है। इस मैच के अलावा पूल डी में एक और मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। दोनों टीमों के बीच यह मैच ड्रॉ रहा। दिन के अंतिम मैच के इस रिजल्ट ने पूल डी को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच अगर यह मैच ड्रॉ नहीं रहता तो जीतने वाली टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन इस पूल से अभी तक किसी भी टीम ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। भारत को अपना अगला मैच वेल्स के खिलाफ खेलना है, वहीं स्पेन को इंग्लैंड के साथ, और इन दोनों मैच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।